थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा। दोस्तों आज का दिन बहुत ही शुभ दिन, और आज हमारे बीच में हमारे ग्रेट डायनेमिक लीडर मिस्टर अंकुर ग्रेवाल जी मौजूद हैं, जिन्होंने इस बिजनेस की शुरुआत में ही इसको काफी मतलब बचपन से इस बिजनेस को सीखा है, देखा है, जिया है। और जब ये 6 साल के थे तब से मैं इस बिजनेस में काम कर रहा था, तब से इस सारी चीजों को ये देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। और आज इस बिजनेस को बहुत ही अपनी 5 साल की इंग्लैंड की पढ़ाई करने के बाद आज इस बिजनेस को बड़ी शिद्दत के साथ में जी रहे हैं और कर रहे हैं। तो दोस्तों आज हम इनके एक्सपीरियंस और इस बिजनेस के बारे में, जब इनकी जो लेटेस्ट जो सोच है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, AI के बारे में, उन सारी चीजों के बारे में आज इनके माध्यम से हम सुनने वाले हैं। और मुझे पक्का यकीन है कि बहुत सारे लोगों को उसका बेनिफिट होने वाला है। तो आइए बगैर देरी किए हम कॉल करते हैं आज के हमारे स्पीकर, दमदार लीडर, डायनेमिक लीडर और भविष्य के होने वाले यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर मिस्टर अंकुर ग्रेवाल। वेलकम टाइगर, स्वागत है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू फॉर सच ए फैंटास्टिक इंट्रो। और आज जितने भी पैनल पे मेरे को लोग सुन रहे हैं उन सभी का स्वागत है आज के इस एनर्जेटिक और फैंटास्टिक सेशन में। मुझे तो बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है कि आज का ये सेशन बहुत इन्फॉर्मेटिक और आप लोगों के लिए आपके बिजनेस में नई सफलता दिलाने में मदद करेगा। तो सभी एक्साइटेड हैं, मेरी आवाज सभी को आ रही है? क्लियर है मेरी आवाज? प्लीज हैंड्स अप अगर मेरी आवाज क्लियर आ रही है। आवाज आपकी क्लियर है। चलिए, थैंक यू सो मच सर वंस अगेन। और मैं अभी अपना स्क्रीन शेयर करूंगा, तो हैंड रेज कर देना अगर आप सभी लोग देख पा रहे हैं। स्क्रीन आपका शेयर हो चुका है और विश्वा दादा आपको यस नो का रिस्पॉन्स भी करेंगे। विश्वा दादा, चलिए दादा सादर प्रणाम, जय हो दादा, वेलकम, स्वागत है, ग्रेट सर स्वागत है। अरे और एनर्जेटिक मॉर्निंग होगी सर आपकी आवाज सुन के अभी। यस, स्लाइड शेयर हो चुके हैं अंकुर, यू कैन स्टार्ट नाउ। चलो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू फॉर ऑल योर ब्लेसिंग्स। सो मूविंग ऑन दोस्तों, आज का ये सेशन जो भी हम रख रहे हैं इसके लिए मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा। और जिन लोगों का मैं नाम लूं मेरे को लग रहा है कि पूरा का पूरा दिन लग जाएगा उनका नाम लेते लेते, लेकिन कुछ जो मुख्य लोग हैं जिनकी वजह से मेरे जीवन में परिवर्तन आया है, चेंजेस आए हैं, वो लोग आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। हमारे ग्रेट सर मिस्टर संजय जैन सर, चतुर्वेदी सर, हमारे 5 रिस्पेक्टेड डायरेक्टर्स, मेरे ओन मेंटर एंड माय फादर नरसिंह ग्रेवाल सर, और जितने भी लीडर्स हैं जिनको मैं बचपन से देखता आया हूं। सर ने अभी बोला 6 साल की उम्र से अंकुर देखता आ रहा है। तो जितने भी लीडर्स हैं जो आज आप देखते हैं, डायमंड हैं, डबल डायमंड हैं, ट्रिपल डायमंड हैं, विश्वास सर हैं, हमारे नावल साहब हैं, पीआर चौधरी साहब हैं, और अनगिनत सुनहरी सर हैं, माधव सर हैं, तो जितने भी नाम हैं इन सभी को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि इन लोगों ने कहीं ना कहीं मेरे को इंस्पायर किया और आज मैं जो भी हूं इन्हीं की सोच का मिला जुला एक परिणाम हूं। तो थैंक यू सो मच आप सभी के आशीर्वाद से जो भी आज मैं बन पाया। आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे पूरा का पूरा जैसे एक नई एल्बम लॉन्च करने वाले हैं हमारे ग्रेट मेंटर्स। सो और बात करूं मैं अपनी जर्नी की, कई लोगों ने पहले सुना भी होगा, कई लोगों ने मेरी जो पहले जूम के सेशंस रहे हैं उसमें भी देखा होगा, लेकिन जो लोग आज पहली बार सुन रहे हैं उनके लिए मैं थोड़ा सा एक बार रीइंस्टेट कर देता हूं, थोड़ा अपने बारे में बता देता हूं। तो मेरी जर्नी जैसे सर ने बताया, फादर जब आर्मी में थे उन्होंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया, और इस बिजनेस को जो स्टार्ट करता है वो अकेला स्टार्ट नहीं करता दोस्तों, उसकी फैमिली भी कहीं ना कहीं उसके साथ इन्वॉल्व रहती है। तो फादर ने जो भी उस टाइम पे प्रोडक्ट खरीदे थे, उस टाइम पे मेरे ख्याल से इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स था, और इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स घर पे लेके आए थे और हम हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ते थे, तो फर्स्ट टाइम मेरे को एक मौका मिला था कि कैसे डाल के और एक ऑडियो से सुन के और किताब से पढ़ने का मौका मिला। वो फर्स्ट टाइम मेरा एक इंट्रो था ई लर्निंग मीन्स कि जो भी उस टाइम पे प्रोडक्ट था आप अंग्रेजी कैसे बोलना सीख सकते हैं, उससे मेरा इंट्रो हुआ। फैंटेस्टिक प्रोडक्ट था, कहीं ना कहीं उसी की देन है कि मेरे को 2005 में अंग्रेजी मीडियम स्कूल में जाने की इच्छा हुई, क्योंकि सर सोचते थे कि खुद वो अगर हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़े, 10वीं में मैट्रिक पास करके मैं मिलिट्री में चले गए, लेकिन कम से कम बच्चों को तो मैं पढ़ा सकता हूँ, सही है,
तो 2005 में इस बिजनेस की बदौलत, वरना हिंदी मीडियम स्कूल छोड़ो, सरकारी स्कूल से पीछा नहीं छूटना था कभी, लेकिन इस बिजनेस की बदौलत मेरे फादर साहब जो इस बिजनेस में नई नई उपलब्धियां ले रहे थे, तो हमको इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाने का मौका मिला। और ऐसा वैसा नहीं, दिल्ली पब्लिक स्कूल जो वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड ब्रांचेस है इन एजुकेशनल सेक्टर, तो उसमें जाने का मौका मिला। 2012 में मैं वहां से ग्रेजुएट हुआ, 2012-13 में। और फिर मैंने सोचा कि जो हायर स्टडीज हैं क्यों ना मैं फॉरेन से लूँ। तो कई ऑप्शंस थे, मैंने फादर साहब को, अपने पेरेंट्स को, सबको बोला, और कई सिलेक्शंस और रीसिलेक्शंस के बाद मेरा जो सिलेक्शन हुआ वो था ससेक्स यूके में। और मैंने वहां अगर देखे मोटा मोटा तो 17 साल का था उस टाइम पे जब मैं गया था, और यहाँ 24 या 23 साल का था जब वापस आया। तो मोटा मोटा अगर देखें तो एक चौथाई जिंदगी मैंने यूके में ही बिता दी, और वो कहीं ना कहीं जो देन है वो है हमारे इस नेटवर्क की, हमारे इस इंडस्ट्री की, आप लोगों की, और मेरे मेंटर एंड फादर जिन्होंने इस बिजनेस को चूज करके आगे बढ़ाने का फैसला लिया। वरना अगर वो मुंडी ऐसे ही ला देते तो हो पाता क्या? नो, नहीं हो पाता ना। तो दोस्तों, ये मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड था। मुझे इंग्लैंड की टॉप 20 यूनिवर्सिटी में पढ़ने का मौका मिला, कहीं ना कहीं वर्ल्ड की टॉप 100 यूनिवर्सिटी में पढ़ने का मौका मिला, और वहां से जो मैंने सीखा, जो गुर सीखा, क्योंकि मैं लास्ट 2 ईयर्स में बिजनेस एंड मैनेजमेंट भी माइनर कोर्स मैंने पिक कर लिया था, तो वहां से मेरे को थोड़ा सा आइडिया लगा कि रिटेल में, ई कॉमर्स में, डायरेक्ट सेलिंग में क्या इंडिया अगले 10 से 20 साल में करने वाला है। और उस आइडिया से जो मुझे अंदाजा हुआ कि हम तो गोल्ड माइन पे बैठे हैं, आज इंडिया हाईएस्ट जीडीपी परसेंटेज ग्रोथ है आज इंडिया की, तो वहां से मैंने निर्णय लिया। और वो दिन है और आज का दिन है, 2019 में मैंने स्टार्ट किया था। आज जो दादा सुन रहे हैं, कहीं ना कहीं उन्हीं के थ्रू इस बिजनेस को मेरे को शुरुआत करने का मौका मिला, वो मेरे फर्स्ट मेंटर थे। सो मैं नतमस्तक हूँ विश्वास दादा के सामने, उनसे जो भी मैंने सीखा। और उसके बाद वो दिन है और आज का दिन है दोस्तों, 2019 से लेके 2023 तक, आज तक इस इंडस्ट्री में मेरे फादर साहब रहे हैं, लेकिन इन 4 से 5 सालों में जिस क्वार्टर में हमने हाईएस्ट टैक्स पे किया है, जब से हम दोनों, मैं और मेरे फादर साहब, उनसे सीख के मैं काम कर रहा हूं, और हाईएस्ट टैक्स पे रहा है 2019 में, 2020 में, 2021 में, 2022 में, और ये रिकॉर्ड हर साल टूटता जा रहा है, हर साल टूटता जा रहा है। और मुझे मौका मिल रहा है फ्रेशर आईडी पे भी काम करने का, क्योंकि मेरे मल्टीपल फैमिली आईडीज हैं, तो सिस्टर की भी आईडी है, तो मेरे को मल्टीपल जगह पे एज ए फ्रेशर भी काम कर रहा हूँ, एज ए सर्वेंट लीडर भी काम कर रहा हूँ, एज ए मरकरी भी काम कर रहा हूँ, और कभी कभी मौका मिले तो एज ए यूसीए भी काम करने का मौका मिलता है। सो मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा माय मेंटर एंड माय फादर, थैंक यू सर। और बात करें उपलब्धियों की, तो शुरुआत में ऐसा कोई मोबाइल का या ऐसा कोई वो था भी नहीं बैकग्राउंड, लेकिन इस बिजनेस की बदौलत 2011-12 की बात है, उस टाइम पे मेरे ख्याल से हम एम्बियंस मॉल गए थे, तो मैंने फादर को बोला कि मेरे को मोबाइल दिलवाओ। बोला कौन सा लेना, मैं बोला नोकिया एनेट। उस टाइम पे मेरे ख्याल से नोकिया एक हाईएस्ट मतलब प्रीमियम क्लास होता था, तो उस टाइम पे नोकिया लेने का मौका मिला। आज इस बिजनेस की बदौलत पूरी एप्पल की शॉप अपने घर पे है, कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जो एप्पल का हमारे घर पे ना हो। बात करें पहले की, क्या एक मीडियम होता था ट्रांसपोर्ट का, आप जो ये साइकिल देख पा रहे हैं ये सर ने ली थी आर्मी में, वो जो छोटी गद्दी है उस पे मैं बैठता था, जो पीछे वाला कैरियर है वहां मेरी माँ बैठती थी, माँ को मेरी बहन को गोदी में लेके बैठती थी, और सर साइकिल चलाते थे। ये मैंने साइकिल पहली देखी थी, लेकिन जैसे ही मैं फोन में गया था 2014 में, उस टाइम पे मेरे को वो ट्रायल्थन का शौक था, और इस बिजनेस की बदौलत मैंने फर्स्ट टाइम ट्रायल्थन बाइक जो आप राइट में देख पा रहे हैं ये 2800 पाउंड की थी मेरे ख्याल से उस टाइम पे, तो 3-3.5 लाख की ये बाइक मैं ली थी, बाईसाइकिल ली थी इस बिजनेस की बदौलत। और बचपन में तो तख्ती पे सीखते थे ABCD कह कह गए। इस बिजनेस की बदौलत फर्स्ट टाइम 2004 में मैंने देखा था कि मेरे 2005 में मैंने देखा था कि मेरे फादर साहब तोशिबा का लैपटॉप लाए थे, इतना भारी भरकम। वहां से मेरे को थोड़ा सा इंटरेस्ट हुआ कंप्यूटर्स में, उसी की वजह से मैंने कंप्यूटर साइंस भी लिया कहीं ना कहीं एज ए मेजर मैंने अपनी यूनिवर्सिटी में। और ये राइट में आप देख पा रहे हैं एलियन वे, ये मैंने अपने कोर्सेज के लिए लिया था, एज इन इसकी कोर्स रही होगी कहीं ना कहीं 3-3.5 लाख रुपए। तो ये सारे की सारी जो भी चीज मैं आपको दिखा पा रहा हूँ ये मेंटेनेबल कैसे हैं, क्योंकि एक सोर्स ऑफ पैसिव इनकम है, एक सोर्स ऑफ
सिक्योर इनकम है, इसकी बदौलत ये सारे के सारे रिसोर्सेज आज कहीं ना कहीं हमारी फैमिली को, मेरे को और मेरे लव्ड वंस को मिल पा रहे हैं। ये बाइक आप देख पा रहे हैं, अस्कोर्ना 250 सीसी में मैंने ली जैसे ही मैं आया था, और दिस इज माय ड्रीम बाइक पेनिगल, जो मैंने अभी फिलहाल बुक की है, और जल्दी बहुत अच्छा सरप्राइज देने वाले हैं आप लोगों को इसकी डिलीवरी लेके। और फॉर्च्यूनर भी रही, और आप देख पा रहे हैं ये पेंट हाउस जो फिलहाल ही एक साल पहले रेडी हुआ है, 4 फ्लोर का ये पेंट हाउस है। और बिगेस्ट फैक्टर जो मेरी लाइफ में रहा, क्योंकि ये तो सभी आप देख लो टॉयज हैं, लेकिन जो बिगेस्ट जो फैक्टर रहा वो है ब्रेन। और इस बिजनेस की बदौलत मेरे को हर सोसाइटी में रहने का मौका मिला। पहले गरीब थे, सरकारी स्कूल में थे, फिर थोड़े से अच्छे हिंदी मीडियम स्कूल में गए, फिर एक अंग्रेजी मीडियम स्कूल में गए, वहां मिलने का मौका मिला ऐसे बच्चों से जो एक हाई सोसाइटी में आते थे, और फिर कहीं ना कहीं मुझे दुनिया की टॉप 100 यूनिवर्सिटी में पढ़ने का मौका मिला, वहां से भी मेरा नेटवर्क इंक्रीज हुआ। आज ऐसा कोई देश नहीं है जहां पे मेरा कोई कनेक्शन ना हो, हर एक देश नहीं कह सकता, लेकिन अगर आप मेजर कंट्रीज को गिने तो कहीं ना कहीं मेरा कोई ना कोई कनेक्शन, कोई ना कोई दोस्त, कोई ना कोई मेरा कलीग, कोई ना कोई मेरा साथी, कोई ना कोई मेरा डोम रूम में जो रहता था वो उस देश से होगा ही होगा। तो इस बिजनेस की बदौलत मुझे अपना नेटवर्क बढ़ाने का मौका मिला, वही कहीं ना कहीं मेरे लिए सबसे बड़ी बात। और इससे भी ज्यादा जो मेरा नेटवर्क है, जो एक पॉसिबिलिटी लाता है मेरे लिए और हमारी फैमिली के लिए, वो सबसे बड़ी नेटवर्क है। और इस नेटवर्क में आप सभी लोग हैं। आज एक जो पार्टिसिपेंट सुन रहे हैं, 1K पार्टिसिपेंट मेरे को सुन रहे हैं, आप सभी के सभी मेरी नेटवर्क हैं। फॉर्च्यूनर मेरी नेटवर्क नहीं है, डुकाटी मेरी नेटवर्क नहीं है, कोई बड़ी गाड़ी मेरी नेटवर्क नहीं है। अगर नेटवर्क है तो वो है आप लोग, और आप सभी लोगों के सामने मैं नतमस्तक हूँ। थैंक यू, और ब्लेस फील करता हूँ कि आप सभी लोगों के साथ काम करने का मौका मिलता है। तो बात आते हैं दोस्तों आज के टॉपिक पे, क्योंकि 2015 में मैंने कंप्यूटर साइंस विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किया था, और उस टाइम पे मेरा इंटरेस्ट था कि कैसे ये मतलब आगे जाके पेनिट्रेट कर सकता है, खासकर इंडिया में, खासकर जो मेरे फादर बिजनेस कर रहे थे। तो उस टाइम पे मेरी इतनी लॉन्ग विजन नहीं था, इतनी थिंकिंग नहीं थी, लेकिन आज आप देख पा रहे हैं 2022 में एकदम AI का क्लिक हुआ है, AI का रेवोल्यूशन हुआ है। आज हर इंडस्ट्री कहीं ना कहीं AI को यूज करके आगे बढ़ना चाह रही है, और हम जिस इंडस्ट्री में हैं, जिस वर्ल्ड में हैं, वो क्या है, डायरेक्ट सेलिंग का है ना दादा? यस। तो इस वर्ल्ड में कैसे हम AI का इस्तेमाल करके अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि अगर मेरे को बोला जाता कि बड़ी सोच का बड़ा जादू पे एक PPT तैयार करो, तो कहीं ना कहीं मेरा इंटरेस्ट इतना नहीं होता, सच बात बताऊं। लेकिन आज जो है ये सच में बड़ी सोच का बड़ा जादू है, क्योंकि अगर आप देखें पूरा आज तक एक श्लोक भी लिखा गया है, वो भी कहीं ना कहीं आर्काइव्स में है, डिजिटल आर्काइव्स में है, ऑनलाइन उपलब्ध है कि नहीं? Yes. तो वो सारी सोच को अगर हम हार्नेस कर लें, और अगर हम 24 घंटे में से 12 घंटे सोचने में बिताते हैं, एक्शन नहीं लेने में बिताते हैं, और वो सोचने का काम किसी को दे दे जो 24 घंटे जगा रहता है, सातों दिन जगा रहता है, ना दिवाली मनाता है ना होली मनाता है, तो कैसा रहेगा? कुछ टाइम बचेगा क्लोजिंग के लिए? टाइम बचेगा? नो। टारगेट जीतने के लिए टाइम बचेगा? नो। अरे बचेगा ना सर, अगर ये सारे के सारे नॉन प्रोडक्टिव वर्क अगर हम किसी ऐसे असिस्टेंट को दे दें जो 24 घंटे आपके लिए काम कर रहा है, आपसे कोई फीस नहीं ले रहा, तो आपको अपनी सेल क्लोजिंग में, आपको अपनी टीम में कोर बनाने के लिए ज्यादा समय मिलेगा नहीं मिलेगा? पक्का मिलेगा, 100%। यस, वो बात मैं कह रहा हूं। और अगर मैं बात भी करूं आज का कि क्या इस सेशन की पावर है, एक टूल है ChatGPT-4। आज मैं सोच रहा था कि सेशन की शुरुआत कैसे करते हैं, मेरे दिमाग में कुछ आ ही नहीं रहा था, फिर आइडिया आया कि यार क्यों मैं अपनी 5 से 10 मिनट बर्बाद करूं, मैं सीधा इसी से पूछ लेता हूं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मैंने पूछा कि आज का जूम सेशन है, मैं डायरेक्ट सेल्स नेटवर्क और रिटेल सेल्स कैसे बूस्ट कर सकता है जो भी लोग सेफ शॉप में काम करते हैं। तो उसका जो जवाब था आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इसने बोला कि वी कैन ओनली सी ए श्योर डिस्टेंस अहेड बट वी कैन सी प्लेंटी देयर दैट नीड्स टू बी डन। हम बहुत आगे का नहीं देख पाते, लेकिन बहुत ज्यादा देख पाते हैं जो करना होता है कि नहीं, जो पाना होता है।
ये इसने एक टैगलाइन दी ताकि मैं अपना जूम का एक सेशन स्टार्ट कर सकूं। तो आप सोच सकते हैं कि आप कितना टाइम नॉन प्रोडक्टिव थिंकिंग में, नॉन प्रोडक्टिव जो वर्क है, पीपीटी तैयार करना, जितनी भी चीजें आप देख लो, आप पूरा का पूरा 100 चीजें लिख सकते हैं जो क्लोजिंग और नए क्लाइंट को बात करने के अलावा हो, सॉरी, वो सारी चीजें इससे की जा सकती हैं। और एक क्योट है कि आज की इस 21वीं सदी में असली पढ़ा लिखा होना ये नहीं है कि उसको लिखना आता है या पढ़ना आता है। इस 21वीं सदी का असली पढ़ा लिखा वो है जिसे सीखना, ना सीखना और दोबारा सीखना आता हो। मैं एक बार फिर बोलता हूं, 21वीं सदी में असली पढ़ा लिखा, असली बाबूजी वो नहीं है जिसको कलम चलानी आती है, जिसको पढ़ना आता है। असली बाबूजी वो है, असली डायमंड वो है, असली यूसीए वो बनेगा जिसको सीखने की कला, जो सीखा है उसको ना सीखने की कला और उसको दोबारा सीखने की कला, जिसको इजीली, जिसके पास ये स्किल है वो 21वीं सदी में कामयाब हो सकता है। और आज का जो ये टॉपिक है, कई लोगों को लग रहा होगा सर कुछ ज्यादा नहीं हो रहा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यहाँ डीडी पीट पीट के हमारे बाल घिस गए हैं, बाल उड़ गए हैं और आप बोल रहे हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। लेकिन इस एज में अगर हम इस टूल से अपने 2 घंटे भी डेली बचा पाए, 2 घंटे भी, और उन 2 घंटों में अगर एक भी प्लान ज्यादा हो रहा है तो हमारा फायदा हो रहा है, नहीं हो रहा? Yes. हो रहा है। यही बात थी कहीं ना कहीं जो मेरे को आज इस टॉपिक पे लेके आई। और एक मैंने एक छोटा सा ये स्टैट्स निकाला था कि जो सेल्स में इन्वॉल्व है उनका कितना परसेंट टाइम नॉन रेवेन्यू जनरेटिंग में जाता है और कितना रेवेन्यू जनरेटिंग में जाता है। जो सर लोग बोलते हैं कि कितना, कितनी चीजें जो आप करते हो जिससे पैसा आता है, डायरेक्टली पैसा, फॉलोअप करो क्लोजिंग हो जाए पैसा आता है कि नहीं? Yes. किसी को रीसेल कर दिया सीधा पैसा आता है। Yes. है कि नहीं? ये जो चीजें हैं रेवेन्यू जनरेटिंग वाली, ये सिर्फ आदमी जो सेल्समैन है, जो डायरेक्ट सेल्स में काम करता है, डायरेक्ट मार्केटिंग में काम करता है, वो 35% सिर्फ इस्तेमाल करता है दिन। बाकी नॉन रेवेन्यू जनरेटिंग, कॉल करना, उसको बताना मीटिंग कब है, मीटिंग की स्लाइड बनाना, उसके नोट्स बनाना, उसका पूरा का पूरा चार्ट फ्लो बनाना, कब एंट्री होगी, कब एंकरिंग होगी, मतलब ढेर सारी चीजें, फॉलोअप में क्या पूछना है, FIM कैसे करूंगा, A to Z जो नॉन रेवेन्यू जनरेटिंग है, इनकी भी जरूरतें हैं, असेंशियल हैं, ये नहीं कह रहा मैं असेंशियल नहीं है, लेकिन इनसे डायरेक्टली रेवेन्यू कोई नहीं आ रहा, इसे डायरेक्टली कोई धनमाया हमारे पास आ नहीं रही है, सही है? Yes. तो ये कैसे हम कम कर सकते हैं? तो मैंने बताया, अगर कोई 24 घंटे के लिए आपके पास असिस्टेंट हो और जो आपको चीज समझ में ना आए उसके लिए आपकी हेल्प करे तो कैसा रहेगा? बहुत बढ़िया, बढ़िया रहेगा। क्योंकि आज के टाइम पे आप देखिए, हम डायरेक्ट सेल्स में हैं, अगर हम फिजिकली किसी को प्लान दे रहे हैं तो उसमें क्या कन्वर्जन रेट है? मान ले हम लगाते हैं 70 रुपए किसी के पास पहुंचने में, हमारा पेट्रोल जलता है, जो हमारा फोन का रिचार्ज है वो खराब हुआ, तो उसमें मान लो एक बंदे को प्लान देने में हमारे 70 रुपए जा रहे हैं, है कि नहीं? अगर किसी का नंबर लिया है हमने चलते चलते टेक्स्ट मैसेज से, 100 लोगों को टेक्स्ट मैसेज कर रहे हैं तो उसमें से 2-4 का रिप्लाई आ रहा है, तो उसका भी कन्वर्जन रेट कितना रहता है? व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया के थ्रू कन्वर्जन रेट क्या रहता है, ईमेल के थ्रू कन्वर्जन रेट क्या रहता है? तो कहीं ना कहीं जैसे ही हम अप्रोच कर रहे हैं किसी भी क्लाइंट को, बेशक वो फोन के जरिए हो, व्हाट्सएप के जरिए हो, ईमेल के जरिए हो, सोशल मीडिया के जरिए हो, या फिर उसके घर जाके सबसे पहले सुबह चाय पीने के जरिए हो, हमारा कन्वर्जन रेट क्या है? अगर हम 100 लोगों को प्लान दे रहे हैं तो ईमेल टेक्स्ट मैसेज के थ्रू कितने लोग हमारे कन्वर्ट हो पा रहे हैं, व्हाट्सएप के थ्रू कितने लोग कन्वर्ट हो पा रहे हैं, अगर हम किसी का फोन पे फॉलोअप कर रहे हैं तो उसके थ्रू कितने लोग कन्वर्ट हो पा रहे हैं? ये बिगेस्ट हमारा आज का गोल है जो हम इन AI टूल से पा सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मान लो सोशल मीडिया पे आप लोग रोज 100 लोगों को कमेंट कर रहे हैं और मैसेज कर रहे हैं, लेकिन आपके रिप्लाई नहीं आ रहे, समझ पा रहे हैं आप? अप्लाइंग Yes. को भी आपने बता दिया कि सर मैं कोशिश तो कर रहा हूं, सर 50 लोगों को रीच तो किया, ठीक है, वो आपको 8-step ट्रेनिंग दे देंगे ज्यादा से ज्यादा, 4 steps बता देंगे ज्यादा से ज्यादा, लेकिन अगर आप कहीं अटके तो आपको समझ में नहीं आया और आपका कन्वर्जन रेट लो है, तो कहीं ना कहीं टूल्स के जरिए आप इनसे खुद एक सवाल पूछ सकते हैं कि आज मैं एक रागिनी मैम को प्लान दिखाने जा रहा हूँ, वो हाउसवाइफ है, एज ए टीचर काम करती है और उसको एक एक्स्ट्रा एडिशनल इनकम चाहिए, उसको मैं कैसे अप्रोच करूं?
आज के प्लान के लिए। मेरी कंपनी का नाम सेफ शॉप है, हम नोनी जूस ये सारे सारे के सारे फैशन प्रोडक्ट्स वो करते हैं, सेल आउट करते हैं। तो ये जो आप प्रॉम्प्ट दोगे ये आपको रिप्लाई देगा। आप सभी समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? यस। सोशल मीडिया पे भी ऐसे ही, आप 10 लोगों को मैसेज भेज रहे हैं, क्या पता आपकी मैसेज की क्वालिटी अच्छी नहीं हो, क्या पता आप मैसेज नहीं बैगिंग कर रहे हो, हेलो सर कैसे हो। आज के टाइम पे तो आसानी से पता चल जाता है कि कौन सी कॉल सेल्स कॉल है और कौन सी कॉल मतलब सच में वो आपको जानना चाहता है कि नहीं। तो ये सारी चीजें हम चैट जीपीटी और जो वेरियस टूल्स हैं वहां से सीख सकते हैं। तो वन ऑफ द बिगेस्ट टूल्स इज चैट जीपीटी, आप फर्स्ट पे देख पा रहे हैं। ये अगर बात करें तो है क्या, चैट जीपीटी जितना भी आज तक लिखित में जितना भी कंटेंट है 2021 तक का, ये पूरा का पूरा उसको सीख के कंप्यूटर और खुद के न्यूरल नेटवर्क से, किसी आदमी को टाइप नहीं करना पड़ता तूने ऐसे करना है तूने ऐसा करना है या कमांड्स नहीं दे रखी, ये खुद सीखता है। जितनी आप इसको ट्रेनिंग दोगे कि मेरा नाम एनसी विश्वास दादा है, मैं ट्रिपल डायमंड हूं और आज मेरी टीम का ये साइज है, इस वीक की मेरी ये क्लोजिंग है और इस वीक का मेरा ये टारगेट है कि मेरी 20 लोगों की लिस्ट बनी है, इन लोगों को मैंने रीच आउट करना है, मेरा शेड्यूल बना दो, ये चैट जीपीटी आपका शेड्यूल बना देगा। आप बोलोगे मेरे को कल 3 लोगों को मिलना है, लेकिन घंटे मेरे पास 2.5 घंटे ही समय है, मेरा आप मेरे लिए अपॉइंटमेंट सेट कर दो, ये चैट जीपीटी आपके लिए अपॉइंटमेंट सेट कर सकते हैं। समझ पा रहे हैं आप? और ऐसे ही एक टूल है डेली, सेंथीसिया, बिंग इमेज जनरेटर, वीडियो लैब, ब्यूटीफुल डॉट ए, ये सारे के सारे डेली इस्तेमाल करता है विजुअल कंटेंट को। चैट जीपीटी तो लिखित में, डेली इस्तेमाल करता है विजुअल, जो भी आप फोटो जनरेट कर सकते हैं। सिंथीसिया ये आवाज को, आपने जो भी 1 मिनट के लिए बोला ये आपकी आवाज को पकड़ लेगा, फिर आप उसे कुछ भी बुलवाओ, कुछ भी बुलवाओ। अगर आप नरसिंह ग्रेवाल सर की जो आज आवाज है, भारी भारी आवाज जिसको पसंद आई हो, सिंथीसिया से रिकॉर्ड करते हो 1 मिनट और फिर बोलो कि आपको 2 घंटे का जूम सेशन देना है, ग्रेवाल सर बेशक मॉरिशियस में बैठे हैं, वो 2 घंटे का जूम सेशन लाइव हो जाएगा, सिंथीसिया उनकी वॉइस में रिकॉर्ड कर देगा। आप देख पा रहे हैं क्या पावर है? यस। ब्यूटीफुल डॉट ए आई जो लास्ट में मैंने लिखा है, ये पीपीटी जो आज आप सामने देख पा रहे हैं ये मैंने सिर्फ 7-8 मिनट में बनाई है, 7-8 मिनट में, मैंने कोई 1 घंटा कोई 2 घंटा कोई 4 घंटे नहीं लगाए, ये ब्यूटीफुल डॉट ए आई है। मैंने इसको बोला मैं ये टॉपिक पे कल बोलना चाह रहा हूँ, इसके लिए मेरे को टाइटल्स दे दो, इसने टाइटल्स दे दिए, मैंने थोड़ा सा फिल आउट कर दिया, 2-4 इमेजेस डाल दी और डन। समझ रहे हैं? यस। तो सर स्क्रीन पे अभी चैट जीपीटी 4 वाली स्लाइड आ रही है ना? आ रही है। तो क्या क्या चीजें हैं जो आप चैट जीपीटी 4 से कर सकते हैं, जो कि एक रिटर्न टूल है, अभी इमेजेस भी लेने लग गया है, आप इससे कोई भी कंटेंट बना सकते हैं सोशल मीडिया का, कोई भी कंटेंट, आप कोई भी टाइटल बना सकते हैं। आप मान लो कर रहे हैं प्रोग्राम, कर लो रैंक भर लो बैंक, ऐसे ऐसे आप बोलो कि इसको 100 टाइटल्स और बनाने, ये बना देगा। आपने पीपीटी बनानी है, आपने कोई वीडियो कंटेंट बनाना है, कोई पोस्टर बनाना है, कोई ब्रोचर बनाना है, कोई बुकलेट बनाना है, कोई टीम के लिए आपने FIM के नोट्स बनाने हैं, कि हर एक के पास ये 10-5 नोट्स हों कि FIM जल्दी जल्दी अगर करना भी हो किसी का तो हर बंदा FIM में कवर कर सके। सही है? कोई भी आपका सवाल है, आपने अगर इसको बता दिया ना कि हमारी कंपनी में 260 प्रोडक्ट हैं, ये प्रोडक्ट हैं और ये इनकी खासियतें हैं, सब कुछ दे दिया ना इसको, और फिर आप इससे कुछ पूछ लो, आप बोलो नोनी जूस में कितने ग्राम अश्वगंधा है, ये बोलेगा उसमें अश्वगंधा तो है ही नहीं यार। ठीक है? आप बोलोगे हमारे जूते कोलंबस से हैं, कौन सी फैक्ट्री से बनते हैं, जितना इसके पास डेटा होगा ये उठाएगा, बहादुरगढ़ जाएगा, बहादुरगढ़ में कोलंबस की फैक्ट्री है या नहीं है, ये डेटा वहां से उठा के अगर आप बहादुरगढ़ किसी को प्लान दिखाने जा रहे हैं तो ये बताएगा अरे वो फैक्ट्री देखी आपने। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? Yes. कोई भी सोशल मीडिया की एड बना सकते हैं आप, और जितनी भी मैं ये चीजें बता रहा हूँ ऑफकोर्स आप अपने अपलायंस से कंसल्ट करके इनको करें, मैं सिर्फ आपको आइडिया दे रहा हूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डायरेक्ट सेलिंग में कैसे घुसने वाला है आने वाले 5 से 7 साल में। आज के टाइम पे हम लीड्स अगर ज्यादा नहीं आ रही तो कई लोग सोशल मीडिया पे ऐड बना देते हैं, फेसबुक ऐड, ट्विटर ऐड या इंस्टा ऐड, तो जो भी रहता है उसका नॉमिनल खर्चा, उसकी वजह से हमारे पास लीड्स आ जाती हैं, 100 लोग, 200 लोग, 400 लोग, तो उन एड्स के
एक हाइपर लिंक्स रहती हैं कि आदमी की वो अटेंशन अटेंशन वो करें खींचे, तो वो बना सकते हैं आप। कोई भी जूम पे वेबिनार है, बेशक वो FIM हो, बेशक वो इंडक्शन मीटिंग हो, बेशक वो आपकी ग्रुप मीटिंग हो, बेशक वो प्लान हो, कोई भी वेबिनार है, आप रिकॉर्ड कर सकते हैं अपनी आवाज में इसके टूल्स के जरिए। ये खुद आपको कंटेंट दे सकता है, उसको बोल के आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। हर शाम 6 बजे चला हो वेबिनार, 10 लोग भी उसमें घुसे, तो कम से कम उन 1 घंटा तो आप काम नहीं कर रहे ना, आप तो कहीं ना कहीं और किसी से प्लान दे सकते हैं। लेकिन वो वेबिनार खुद चल के जो ऑटो रिकॉर्डेड है, जिसका कंटेंट सिर्फ 20 मिनट में तैयार हुआ है, और आपके पास 100 लोगों की भी लिस्ट आ गई, तो बड़ी बात है या नहीं है? Yes, बहुत बड़ी बात है। तो ये आप इसमें यूज कर सकते हैं। और सर हमेशा बोलते हैं कि अंकुर वही चीज सिखानी है जो तू अभी कर रहा हो। तो मेरा जो पर्सनल यूज है आज के टाइम पे, आप देखो जितना भी कंटेंट है ग्रेवाल का, नर्सी ग्रेवाल एज ए जो ब्रांड है या ग्रेवाल जो फैमिली ब्रांड है, जितना भी सोशल मीडिया कंटेंट है, सारा का सारा एक एक चीज कहीं ना कहीं वहीं से इंस्पायर्ड है। नोट्स मैं आज के टाइम पे कभी भी नोट्स रखता नहीं हूं। कोई भी मीटिंग हो, मैं सिर्फ 10 मिनट पहले पूछता हूँ चैट GPT से, मैं आज ये बात कर रहा हूँ, मेरा डेमोग्राफिक्स ऐसे हैं, सुनने वाले ऐसे हैं, ज्यादातर लोग आज फौजी हैं या ज्यादातर लोग आज टीचर हैं, मेरे लिए कुछ इनसे रिलेटेड और इनसे रेलेवेंट ये चीजें दे दो, तो मेरे को 2 मिनट में स्पीकिंग नोट्स दे देता है, मेरे को सोचना नहीं पड़ता मीटिंग में क्या बोलना है। कोई भी किसी को मैं प्लान दे रहा हूं या कोई ट्रेन में आ रहा हूं, किसी बंदे से बात करनी है, थोड़ा सा उसके बारे में जाना, चैट GPT को बताया कि ये स्टूडेंट है, अभी ये कर रहा है, इसको मैं कैसे रीच आउट करूं, 2 मिनट में हल्की सी पिचाई का आपको आइडिया लग जाता है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है कि कैसे उसको आप अप्रोप्रिएटली रीच आउट कर सकते हैं। ये PPT, जितनी भी PPT हैं, स्लाइड्स हैं, टॉपिक्स हैं, इवन की जो ये यूट्यूब सेशन आप देखते आ रहे हैं, अभी अगले 100 दिन देखेंगे, 200 दिन देखेंगे, ये सारा का सारा टाइटल जनरेट जो हुआ है, सारा चैट GPT ने किया। वरना अगर एक एक, क्योंकि सर ने तो ये मेरे ख्याल से 100-200 दिन का शेड्यूल कर रखा है, 100 दिन का अगर आप कंटेंट जनरेट करने लग जाएं, टॉपिक जनरेट करने लग जाएं, पूरे 2-4 दिन लगेंगे आपको सोचने सोचने में, मान रहे हो ये बात? Yes. लेकिन यहां से सर ने टाइप किया कि हिंदी में टाइटल बनाओ, 2 मिनट में तैयार हो गए। कोई भी इमेज, कोई भी वीडियो आप जनरेट कर सकते हैं। आपको मैं एग्जाम्पल दिखाता हूं आगे कैसे इमेज एंड वीडियो जनरेट कर सकते हैं। लेकिन एक प्रॉम्प्ट चैट GPT को कुछ आप बताओगे तभी वो आपको रिप्लाई देगा, और जितना सातिर आप उसे क्वेश्चन पूछोगे उतना सातिर रिप्लाई देगा। जितना आप उसको कंटेंट दोगे या वो दोगे, जानने के लिए चीजें दोगे, उतना अच्छे तरीके से वो रिप्लाई कर पाएगा। जैसे सिंपल सी है कि किसी ने बोला कि मेरे पास पैसे नहीं, बोलते हैं ज्यादातर लोग, प्लान दिया। अगर आप चैट GPT से पूछो कि व्हाट आर द सम कॉमन पेन पॉइंट्स दैट प्रोस्पेक्ट्स होल्ड फॉर द प्राइस That he doesn't have money in our direct selling industry. कि हमारी direct selling sales of industry में जो इंडिया में है, उसमें जब लोग बोलते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो उसके common pain point क्या है उसके पीछे? तो जितना ये जानता है, आज तक 21वीं सदी में जितनी किताबें लिखी गई हैं, जितने आर्टिकल, ब्लॉग, न्यूज़पेपर, जितना भी लिखित में है, ये सारा ढूंढेगा और सिर्फ मात्र 1 से 3 सेकंड के बीच में ऐसा रिप्लाई देगा, या तो आपको वो समझ में आ जाएगा, और नहीं समझ में आया तो इसका मतलब आपने सवाल अच्छे से नहीं पूछा। समझ पा रहे हैं आप? Yes. आप पूछ सकते हैं कि एक्सप्लेन नोनी जूस लाइक आई एम ए 5-year-old, या एक्सप्लेन वो हमारा कौन सा प्रोडक्ट है सर किड्स के लिए, जिसमें वो प्रॉम्प्ट्स भी आते हैं, फ्रेंच भी है उसमें, विश्वास दादा? सर सर क्या नाम है प्रोडक्ट का उसका? टेड, स्पीकिंग टेड। दोबारा बताएं सर प्लीज। अरे सर वो बच्चों का प्रोडक्ट नहीं है जिसमें टेड है, वो बच्चों को सिखाता है, फ्रेंच सिखाता है, बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं उसमें, इंसाइक्लोपीडिया भी है। क्या नाम है उसका प्रोडक्ट का? नाम भूल गया मैं सर। चलो कोई नहीं, तो जो टेड है उसको मान लो हमको बताना नहीं आता, और हम चैट GPT को दादा स्मार्ट स्टार पैकेज है, स्मार्ट स्टार पैकेज है, स्मार्ट स्टार। हाँ हाँ, तो मान लो स्मार्ट स्टार है, हम किसी के प्लान देने गए हैं, उसके घर में 2 बच्चे हैं, हम चैट GPT से पूछ लें कि मेरे को एक्सप्लेन करो स्मार्ट स्टार को, जैसे मैं 5 साल का बच्चा हूँ, ये
जितनी भी आपने इसको कंटेंट दिया या जितना भी आपको इसने नॉलेज दी और जितनी भी किसी सदी में लिखित ज्ञान है, ये वहां से उठाएगा और आपको ऐसे बताएगा जैसे 5 साल के बच्चे को समझ में आ जाए। समझ रहे हैं आप? यस यस, ये हद है इसकी। मैं जितना चीजें सोच सकता था, मेरे को लगता है आज ये 1000 जो पार्टिसिपेंट्स है, 996 टू बी एक्यूरेट, ये सारे के सारे मेरे से ज्यादा इंटेलिजेंट सवाल पूछ के ज्यादा फायदा उठा सकते हैं, क्योंकि मैं तो जितना सोच सकता था मैं आपको लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, आप देखिए एग्जाम्पल देखिए, यहाँ जैसे ये इनपुट डाल रखा है, इसको हिंदी में बोलूं तो मैं बोलूं जैसे राम 11 बजे फ्री है और सीता 2 बजे फ्री है और लक्ष्मण जो है वो 4 बजे फ्री है। इन तीनों से मेरे को अपॉइंटमेंट सेट करना है 30 मिनट का। क्या करना है? 30 मिनट का अपॉइंटमेंट सेट करना, 30 मिनट का अपॉइंटमेंट सेट करना है। संडे को ये सब छुप जाते हैं, शनिवार को इनके पैक चलते हैं, तो इनको 30 मिनट के लिए FIM सेशन के लिए कैसे इकट्ठा किया जाए, क्या टाइमिंग सेट करूं मैं? ये 2 मिनट में आउटपुट दे देगा। समझ पा रहे हैं? आप बोलोगे ना मेरे कैलेंडर में ऐड कर दे, ये कैलेंडर में ऐड कर देगा। आप बोलोगे मेरा अलार्म लगा दे इतने बजे का, ये अलार्म लगा देगा। और ऑफ कोर्स ये एक दिन में नहीं होगा, आप धीरे धीरे इसको एक्सपेरिमेंट करके धीरे धीरे सीखें। मैंने ये नहीं कह रहा कि 10-10 घंटे इसमें बर्बाद करें, 1-2 मिनट जो भी आपको फ्री टाइम मिलता है, जो भी इससे प्रोडक्टिव आप काम करवा सकते हैं आप करवाएं। और धीरे धीरे जैसे आपकी कमांड आएगी, जैसे आज गूगल पे आप सभी लोग 2 मिनट में उंगली नहीं मार देते, अरे आज तो खीर बनानी है, 2 मिनट में यूट्यूब पे खीर देख रहे हैं, ऐसे आपको फिर कमांड देनी आ जाएगी आपके बिजनेस के लिए। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड, मैंने टूल्स में पहला चैट GPT बताया था और दूसरा कौन सा बताया था? डेली। ये एक ऐसी चीज है, इसको आप कुछ बोल दो वैसी पिक्चर जनरेट कर देगा। आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, मैंने लिखा कि एक एस्ट्रोनॉट घोड़े पे चांद पे चल रहा है, इसने ये बना के दे दिया मेरे को, ना ये असली का घोड़ा है ना ये असली का आदमी, लेकिन बना दिया, पीछे तारे दिखा दिए। समझ पा रहे हैं आप? यस। आपका संडे को प्लान है या आपका फॉलोअप है, आप बोलो इसको कि शाहरुख खान हमारा नोनी जूस पसंद करता है ये कहीं ना कहीं शाहरुख खान का फोटो लेगा, नोनी जूस का फोटो लेगा, जो भी इसके समझ में आएगा, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ और ये एक पिक्चर तैयार कर देगा। आप इसको क्लोजिंग में दिखाओ ना बंदा कम से कम हंसेगा तो, है कि नहीं? यस यस जरूर। या सोशल मीडिया पे अटेंशन तो सीख होगी कि हेमा मालिनी हमारा शैम्पू लगाती है। समझ पा रहे हैं आप? यस। तो इससे कंटेंट जनरेट किया जा सकता है बिना सोचे। अभी बंदा PPT तैयार कर रहा है और उसको आधा घंटा लग रहा है तस्वीरें छांट छांट के डालने में, उस आधे घंटे को अगर वही काम वो 2 मिनट में कर ले और सीधा बोल दे मेरे को ये तस्वीर चाहिए और ये निकाल के तभी दे दे और उसको कॉपी करे और पेस्ट करे, तो काम हो गया नहीं हो गया? यस। इससे ये फायदा उठा सकते हैं। और लाखों टूल्स हैं, लाखों टूल्स हैं आज के टाइम पे, अगर हम होड़ में लग जाएं, क्योंकि आज मैं इतने सारे टूल्स को कवर भी नहीं कर पाता अगर मैं चाहता भी तो, क्योंकि AI सेल्स एंगेजमेंट के लिए लाखों हैं, ग्रोथ मशीन, स्मार्ट लीड, अपोलो AI, रिप्लाई, आउटप्ले, मीट्स, वुडपैकर, अनगिनत अनगिनत, वीडियो प्रोस्पेक्टिंग के लिए है, सेल्स कॉपी राइटिंग के लिए, कॉपी राइटिंग जो मैंने आप बोला ChatGPT कॉपी राइटिंग कर देता है। आप एड बना रहे हो, एड के लिए बोलो मेरे को एक अच्छा सा टाइटल चाहिए जिससे जितनी भी औरतें झुमके पहनती हैं कानों के, उनको मैं अट्रैक्ट कर सकूं, ये महिला की बात कर रहा हूं, 2 मिनट में कोई भी एक अच्छी सी हेडलाइन सेफ सोप के झुमके, जो भी हमारी ज्वेलरी आती है आर्टिफिशियल, उसके लिए कॉपी राइटिंग कर देगा। एडवर्टाइजिंग हो, लीड मैनेजमेंट हो, कि मैंने लोगों की लिस्ट तो 100 बनाई थी लेकिन उसमें से 20-25 को रीच आउट किया और उसके बाद आता पता है नहीं 70-75 कहाँ गए। तो लीड मैनेजमेंट के लिए, सेल्स कोचिंग के लिए, जैसे मैंने ये फर्स्ट पिक्चर दिखाई थी ना, ये आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे सर विश्वास दादा? यस यस। इसमें मान लो एक नई महिला आई, सरिता वेरोनिका, अरे सर हिंदी वाला बता दो ना यहाँ अंग्रेज कहाँ रहते हैं वेरोनिका, सॉरी सर, वेरोनिका आई और उसका गोल है शुरुआत में एडिशनल इनकम लेने का। क्या लेने का? एडिशनल इनकम। हाउसवाइफ है वो, उसको ज्यादा नहीं चाहिए, सिर्फ अगर खर्चे के लिए मात्र 5-6 हजार रुपए हर महीने आ जाएं तो उसके लिए काफी, ठीक है। एक बार QSC बन जाएं, हर महीने 1-2 QSC बना दे, 5-6 हजार इनकम आ जाए, उसके लिए यही गोल है। तो उसके लिए अलग ट्रेनिंग आप सेट कर सकते हैं,
धीरे धीरे जैसे ही वो पर्ल बनी, जैसे ही टोपाज बनी, उसका गोल थोड़ा चेंज होगा नहीं होगा? यस, उसका गोल फिर चेंज हो रहा है कि वो थोड़ा सा अच्छा कोच और मेंटरशिप बनना चाहती है, ताकि लीडर बन के वो दो वेन्यू को कम से कम संभाल सके, है कि नहीं? यस यस। तो उस टाइम पे इस गोल के मुताबिक जो मैंने टूल बताया था, ये AI सेल्स कोचिंग का टूल्स है, सेकंड नेचर, स्पाइकी, क्रोनो, ठीक है? और कहीं ना कहीं ये सारे पेड टूल्स हैं, फ्री वाले टूल्स आप इस्तेमाल करेंगे, चैट जीपीटी से ही ज्यादातर कोशिश करेंगे, या जो मैंने ये टूल्स बताए थे, ये वाले डेली, सिंथेसिया, वीडियो लिप, ब्यूटीफुल डॉट आई, तो ये थोड़े फ्री हैं, तो इसका शुरुआत करेंगे और सीखने की कोशिश करेंगे तो बढ़िया रहेगा। और अनगिनत AI सेल्स टूल्स हैं, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, शुरुआत में इजिली जो हमारे घंटे, 2 घंटे 3 घंटे बचा सकता है दिन में, और उन्हीं घंटों को इस्तेमाल करके हम अपनी प्रोडक्टिविटी अपने बिजनेस में ला सकते हैं, क्योंकि हम इस बिजनेस में 1 बंदे 2 बंदे 4 लोग 5 लोग को नहीं संभाल रहे, यहाँ पे हम हजारों का कारोबार संभालने वाले हैं, है कि नहीं? Yes. आज यहाँ 993 पार्टिसिपेंट्स हैं, ये 2 लोगों को संभालने के लिए नहीं आए इस बिजनेस में, ये हजारों लाखों लोगों को संभालने के लिए आए हैं, और उसको संभालने के लिए आपको प्रोडक्टिव तो होना ही पड़ेगा, और ये बात जग जाहिर है, ठीक है? और AI इसी चीज पे फोकस करती है। फर्स्ट चीज जो 4 P's हैं AI के, थोड़ा सा मैं इसको रिट्रेट कर दूं, कि फर्स्ट है पर्सनलाइजेशन, आपकी पर्सनैलिटी के हिसाब से आपने जो काम करवाना है, आप जो इसको प्रॉम्प्ट दोगे, जो बताओगे कैसा फोटो चाहिए, कैसी वीडियो चाहिए, कैसी आवाज चाहिए, उसके हिसाब से पर्सनलाइज कर सकते हैं आप, ताकि किसी को ये ना लगे कि मशीन से वो बात कर रहे हैं। समझ पा रहे हैं आप? यस। किसी को आप मान लो 2 साल में चैट GPT इंटीग्रेट कर दें सेफसॉक के साथ, हमारे डायरेक्टर्स, समझिए आप, काव्या, काव्या का नाम सुना आपने? हाँ, काव्या का नाम सुना ना। काव्या क्या है? एक वही चैट GPT टाइप ही उन्होंने सेफसॉक के लिए बनाया है, हालांकि इस टाइम पे AI इन्फ्यूज नहीं है वो, लेकिन बाद में AI इन्फ्यूज हो जाए तो आप समझ सकते हैं हम पर्सनलाइज कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, ठीक है? सेकंड जो P है वो परफॉर्मेंस है, परफॉर्मेंस बढ़े उस टूल्स को इस्तेमाल करके हमारे सेल्स में, हमारे रिटेल सेल्स में, तो वो काम AI कर सकती है। प्रिडिक्शन, क्या बोले तो प्रिडिक्शन, आप इसको कुछ कंटेंट देते हैं, उसमें से कुछ चीजें निकालने के लिए बोलते हैं, और उसकी थोड़ी सी फोरकास्टिंग के लिए बोलते हैं, तो AI एक बेहतरीन टूल है प्रिडिक्शन में। एग्जाम्पल के तौर पर बताऊं, खुद गूगल मैप्स प्रिडिक्शन इस्तेमाल करता है। आप देखो, किसी भी गली में घुस जाओ, आपने अगर राउट लगा रखा है नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम का, तो कोई सी गली में घुस जाओ, उसको रीराउट करके, प्रिडिक्ट करके ये वहीं पहुंचा देगा आपको, है कि नहीं? यस यस। वो भी AI है, हम उनको डेली ऐसे इस्तेमाल कर रहे हैं जैसे कोई है नहीं। राइट साइड में 4th मेरा कवर है दादा, आपको दिख रहा है क्या? 4th P कौन सा है? हाँ, प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी एग्जैक्टली, जिसके ऊपर आज का पूरा PPT सेशन है, प्रोडक्टिविटी की, हम अपने बिजनेस में इन टूल्स का इस्तेमाल करके प्रोडक्टिव हो जाएं, अपनी टीम को प्रोडक्टिव बना दें, और 90% जो समय है वो क्लोजिंग में जाए, वो पैसे लेने में जाए, वो पैसे कलेक्ट करने में जाए, वो DD लेने में जाए, ना कि नॉन प्रोडक्टिव चीजों में। आपको शुरुआत में मैंने दिखाया था कि आम आदमी जो सेल्स में है या डायरेक्ट सेल्स में किसी भी में है, वो 64.8 मतलब मोटा मोटा 1/3 अपना जो दिन है सोच रहा है कि काम कर रहा है, लेकिन काम कर नहीं रहा, वो नॉन रेवेन्यू जनरेटिंग है। और उसको आसानी से AI से जितना भी मैक्सिमम करवा सकते हैं, हम पॉसिबली करवा सकते हैं, है कि नहीं? यस। तो दोस्तों, ये आज का समअप था, और एक लास्ट मोटिवेशनल थीम के साथ मैं अपनी आज की इस बात को विराम देना चाहूंगा। आप स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, ये खुद AI के सरताज हैं, मिस्टर जेनसन हुआंग। आज ये $1 trillion कंपनी के मालिक हैं, और ये $1 trillion ऐसे ही नहीं बनी, मात्र मात्र 8 महीनों में $1 trillion बन गई है ये, पहले इसकी बिलियंस में होती थी। AI इतनी जल्दी मल्टीप्लाई हो रहा है हर एक सेक्टर में, लोग इसको इस्तेमाल करके अपने बिजनेस को 2 गुना 4 गुना 6 गुना 8 गुना कर रहे हैं, अपना समय बचा रहे हैं, उसकी वजह से आज 6 से 8 महीने में ये $1 trillion की कंपनी बन गई।
और इस बंदे ने खुद शुरुआत में $10 मिलियन का घाटा लिया था। घाटा लेने के बाद दोबारे से जीरो से शुरुआत करके इसने $1 ट्रिलियन की कंपनी बना दी एआई को इस्तेमाल करके। तो हम लोग जो आज डायरेक्ट सेल्स में हैं, हम लोग जो पिछले 40 मिनट से सुन रहे हैं कि कैसे हम इन टूल्स को इस्तेमाल करके अपने बिजनेस में, बेशक वो आज जीरो हो लेकिन आगे बढ़ के मिलियंस में लेके जा सकते हैं, नहीं जा सकते? यस, जा सकते हैं, जा सकते हैं, बिल्कुल। यही मेरी आशा है दोस्तों, क्योंकि जेनसन हुआंग से बड़ा इंस्पिरेशन हमारे लिए कोई हो नहीं सकता। इन्होंने $10 मिलियन, हमारे कोई घाटा नहीं खाया, प्रोडक्ट लिया है, उसको इस्तेमाल किया है, बस उसको अभी रेकमेंड करना है, रेफर करना है और लोगों को एक अच्छी टीम के हिसाब से उनको डेवलप करके कोर बना के इस बिजनेस में उनको सफलता दिलानी है। जब $10 मिलियन का फेलियर मिलने के बाद भी, जो कि करोड़ों में है, $1 मिलियन मेरे ख्याल से 7 करोड़ होता है, 70 करोड़ का फेलियर, 80 करोड़ का फेलियर लेने के बाद एक बंदा 10 लाख करोड़ की कंपनी खड़ी कर सकता है, तो हम डायमंड बन सकते हैं, नहीं बन सकते? यस, बन सकते हैं। यस यस। तो इसी के साथ दोस्तों मैं आप सभी को गुड विशेस दूंगा। आप सभी के साथ आज ये सेशन बहुत गजब का रहा, मुझे भी बहुत मजा आया, जो मैं अपनी दिली इच्छा थी मेरी कि एक ऐसा सेशन रहे ताकि जितने भी नई एज, क्योंकि मैं देखता हूँ यूट्यूब पे जो डेमोग्राफिक है 18 से 28 साल की जो उम्र है वो 60% लोग सुन रहे होते हैं डेली मॉर्निंग सेशन, ठीक है? तो जो लोग नए हैं, जो लोग नए नहीं है, ये सारी की सारी टेक्नोलॉजी इजीली लर्नेबल है। मैंने बोला 21वीं सदी का असली पढ़ा लिखा वो नहीं है जिसको लिखना आता है, पढ़ना आता है। 21वीं सदी का पढ़ा लिखा वो है जिसको सीखना, और जो सीखा उसको भूल जाना, और जो भूल गए उसको दोबारा सीखना, वो सबसे बड़ी क्वालिटी है। आज के इस सेशन से जो लोग भी इंस्पायर्ड हैं वो कमेंट्स में आप बता सकते हैं कि कैसे आप चैट जीपीटी या जितने भी टूल्स को आपने सुना उसको कैसे इस्तेमाल करके, ताकि हमको भी पता चले, ठीक है? सो थैंक यू सो मच, थैंक यू विश्वास दादा, थैंक यू ग्रेट सर, थैंक यू ग्रेट सर, और आप सभी लोगों को मेरा तहे दिल से धन्यवाद। आप लोगों ने इतना अटेंटिवली सुना, मैं आप लोगों का ऋणी रहूंगा, थैंक यू सो मच। और मेरे से अगर कोई भी भूल होगी हो, क्योंकि बच्चा समझ के मेरे को माफ कर देना, और जो भी मैंने आज बोला है कहीं ना कहीं मेरे मेंटर से सीखा है, कहीं ना कहीं जो हमारे रोज पैनल पे आते हैं इनसे मैंने प्रेरणा ली है, तो आप सभी के सामने भी मैं नतमस्तक हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, स्टेज इज ऑल योर्स। थैंक यू अंकुर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन अभी आपने बताया सारी चीजें, और आज ये चैट जीपीटी के बारे में बात किया और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात किया, ये बहुत सारे लोगों के लिए, खासकर मेरे जैसे लोगों के लिए बिल्कुल नई चीज है। इसके बारे में 2-3 क्वेश्चन पूछेंगे, आपने उनको रिप्लाई करना ताकि ये सेशन कुछ कंप्लीट हो जाए। जी सर। चैट जीपीटी है क्या, ये एप्लीकेशन है या वेबसाइट है? ये वेबसाइट है सर, और एप्लीकेशन भी है, दोनों में है। ओके, तो उसको चैट जीपीटी को, एप्लीकेशन को मोबाइल पर डाउनलोड करना पड़ेगा या ऐसे दिख जाएगा? उसको बेशक सीधा आप क्रोम में खोल लो चैट जीपीटी, या आपके पास एप्पल का फोन है, क्योंकि मेरे पास तो एप्पल का है, मैंने एंड्रॉइड में कभी देखा नहीं। एप्पल में आप चैट जीपीटी का ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन वेबसाइट परफेक्ट है, वेबसाइट से करोगे तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि आपके पास गूगल अकाउंट होना चाहिए, बस आप साइन इन कर सकते हैं। चैट जीपीटी को मतलब हम लोग वेबसाइट पर भी खोल सकते हैं और एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। जी सर, बिल्कुल गूगल की तरह, गूगल की तरह। अभी दादा के मान लो इस बार 20 टारगेट हुए हैं, दादा चाहता है 50 टारगेट करने, उसमें वो क्या फायदा कर सकता है? जी सर, 50 टारगेट करने हैं मतलब 250% प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करनी है ना, तो चैट जीपीटी एक जनरल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं बनाया अभी। आप इसको ऐसे नहीं पूछ सकते कि मैं अमीर कैसे बनूं, ऐसे तो लाखों उपाय हैं अमीर बनने के, ठीक है? आपको इसको थोड़ा बताना पड़ेगा कि मैं ट्रिपल डायमंड हूं, और मैं ये करता हूं, और ये मेरा टीम साइज है, और मैं ये चीजें बेचता हूं, और मेरे को ये बनना है, तब जाके ये थोड़ा एक्यूरेटी से उठा के रिप्लाई देगा। तो सर को जैसे मान लिया, सर ने बोला कि सब कुछ डेटा दे दिया, सर ने 25 लोगों का नाम दे दिया, ये मेरे कोर लीडर हैं, अभी मेरे को इतना परसेंट रिजल्ट बढ़ाना है, तो ये हिंट दे सकता है। पहला हिंट दे सकता है कि कैसे आप ज्यादा प्रमोशनल एक्टिविटीज कर सकते हैं, तो दादा ने वो पॉइंट लिख लिया, प्रमोशनल एक्टिविटीज कैसे ज्यादा कर सकते हैं। तो वही चीज उठा के थोड़ा सा अच्छे से दोबारा चैट जीपीटी से पूछ ली कि प्रमोशनल एक्टिविटीज करने के लिए मुझे 10 टॉपिक दो, 10 वेन्यू पे मेरे को करनी है, और मेरे को एक शेड्यूल बना दो, ये लीडर के नाम है, वो कर देगा ये।
थैंक यू। अच्छा ये बताओ चैट जीपीटी या ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारा फॉलो अप कर देगा या खुद ही करना पड़ेगा, खुद ही जाएगा? फॉलो अप के लिए ये दे देगा सर, मुंह तो अपना ही खोलना पड़ेगा। हिंट करना, हिंट करेगा ये, लेकिन सिखाएगा, लेकिन फॉलो अप खुद ही करना पड़ेगा। ओके बिल्कुल सर, सिखाएगा लेकिन। हाँ जी सर, प्लान ये दिखाएगा, हमको खुद ही दिखानी पड़ेगी सारी चीजें, हमको खुद करनी पड़ेगी सर। ओके ठीक है, तो कहने का मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि प्लान दिखाना, फॉलोअप करना, एफआईएम करना और मीटिंग ऑर्गेनाइज करना, मीटिंग में उछल कूद करना और मीटिंग में लोगों को मोटिवेट करना, काम करना, ये सारा खुद करना है, कहीं चैट जीपीटी के अंदर घुसने के चक्कर में नहीं पड़ना। चैट जीपीटी से आपने जो चीजें हम हैंग हो जाते हैं, हम सोचते हैं कि आज के फंक्शन का क्या नाम रखें, तो आप पूछ लो, चैट जीपीटी बता देगा आपको कि ये नाम रख सकते हैं। या आपने यूट्यूब पे कोई भी आपको जैसे अपलाइन से सलाह लेनी है और अपलाइन से फोन नहीं लग रहा, तो उस टाइम पे आप उनसे उससे पूछ सकते हैं हम कि आज मैं मेरे को 10 DD चाहिए, तो 10 DD के लिए कितने प्लान दिखाऊं, तो कितना मेरे को क्या क्या एक्शन लेना पड़ेगा, तो एक्शन को सुजेस्ट कर देगा। एक्शन करेगा नहीं चैट जीपीटी या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एक्शन खुद करना है, लेकिन आपको सुझाव दे देगा और आपको आइडिया दे देगा, यही करेगा जी सर। ब्रेन पावर कम इस्तेमाल करनी पड़ेगी, एक्शन के लिए पावर ज्यादा रहेगी, एक्साइटमेंट ज्यादा रहेगा। चैट जीपीटी मेरे ख्याल से दादा को जैसे मान लो ईमेल करनी है कंपनी में, और दादा की या मेरी ऐसे मदद करेगा कि मेरे को दादा को ईमेल लिखने के लिए 2 घंटे लगेंगे, धीरे धीरे पहले सोचना पड़ेगा फिर लिखना पड़ेगा, लेकिन चैट जीपीटी को बोलेंगे इंग्लिश में हमारे को ये प्रोडक्ट नहीं मिला, या ये हमारे का ये इसका हमने अकाउंट अपडेट करना है, तो इसके लिए एक मेल लिख दो, तो चैट जीपीटी 15 सेकंड में मेल लिख देगा जी सर, और मेल को कॉपी पेस्ट करके भेज दो कंपनी में जी सर, कर देगा बस बस। तो चैट जीपीटी हमारे लिए मेल लिख देगा, चैट जीपीटी हमारे लिए मैसेज लिख देगा, चैट जीपीटी हमारे को ये बता देगा कि इतना बिजनेस वॉल्यूम निकालना है तो इतने प्लान करने पड़ेंगे, लेकिन काम खुद ही करना है, ये कहना चाह रहे हैं हम। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, थैंक यू। मैं चाहता हूँ, ये तो मेरे सवाल थे, लेकिन कुछ सवाल और लोगों के भी होंगे। हमारे ऑनरी कैप्टन कुशवा साहब क्या बोलते हैं, कुशवा साहब कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, या फिर आप क्या फीलिंग क्या समझ में आया वो बता सकते हैं। थैंक यू साहब। सर मैं नमस्कार सभी को, नमस्कार चरण बंदन आपको और ग्रेट मेंटर अंकुर जी नमस्कार। तो मैं थोड़ा सा बताऊंगा, जैसे मैं वेनु जी दिन क्लोजिंग होता है तो मैं मतलब आपके वीडियो देखता हूँ कि मतलब वहां से कोई पॉइंट मिले, 2-4 क्लोजिंग के वीडियो आपके निकाल के देखता हूँ। तो मैं सर से पूछना चाहता हूँ कि जैसे चैट जीपी को बोलेंगे मेरे को कुछ स्पेशल पॉइंट बनाओ, मैं आज बिजनेस अपना मीटिंग क्लोज करना है, तो उससे मिल जाएंगे क्या? 100% मिल जाएंगे सर। आप इसको तीनों तरीके से बता सकते हो, लिखित में बता सकते हो, पूछ सकते हो कि आज जो हमारे मेन है ना महिलाएं आ रही हैं, ठीक है, प्लान में 10 से 15 महिलाएं रहेंगी, तो उसमें कैसे मेरे ये प्रोडक्ट्स हैं, कैसे क्लोजिंग में इस्तेमाल करके और 2-3 पंच लाइन मेरे को बना के दे ताकि मैं डिलीवरी कर सकूं क्लोजिंग के समय, ये बना के दे देगी आपको ये अंकुर। आप डेमो दे के बताएंगे तो बढ़िया रहेगा, डेमो दे के सवाल पूछो और पूरी पूरी पीपीटी कुशवा साहब, पूरी पीपीटी क्लोजिंग लाइन, ये इवन की जो ये मैंने चाइनीज का फोटो दिखाया, चाइनीज बिलियनेयर है जो ये, ताइवानीज बिलियनेयर है जो ये भी सारा का सारा इसने निकाल के दिया, मैंने 1% अपना दिमाग नहीं खर्चा। तो उसको हम जो जो बोलेंगे क्लोजिंग के दौरान, अभी सर के वीडियो सुन के मैं क्लोजिंग करता था क्योंकि आज कुछ पॉइंट मिलते थे जो सर बात करते रहते हैं हमेशा, तो इसमें चैट जीपी को बोलेंगे भाई महाकुल नरसिंह ग्रेवाल साहब कुछ ऐसी बातें बताओ तुरंत कि भाई ये पॉइंट हम दिमाग में लेके जाए क्लोजिंग के समय, कि ये क्लोजिंग कर लेडीज है, महिला है, अब छोटे उम्र के लोग है, बड़े उम्र के लोग है, उनके हर के लिए एक पॉइंट हमें मिल जाएंगे इससे। हाँ तो मैं दोबारा कहना चाहूंगा सर, 60 से 70% एक्यूरेसी है इसकी फिलहाल, ठीक है, पूरी 100% नहीं है एक्यूरेसी। जैसे आप इसको बोलोगे ना नरसिंह ग्रेवाल कौन है, तो ये बताएगा मोटा मोटा, लेकिन कहीं कई बार ये छोटी छोटी मिस्टेक कर देता है, इसमें बोल देता है नरसिंह ग्रेवाल अरबपति है जी, अच्छा कहीं कहीं छोटी छोटी मिस्टेक, जैसे एनसी विश्वास दादा पूछो इसे, तो 2021 तक का ही कंटेंट है इसके पास सर, जितना भी है, ठीक है, 2021 के बाद नहीं किया, वरना लोग इसको वैसे इस्तेमाल कर पाते इलीगली, इसलिए नहीं किया, लेकिन 80% तक एक्यूरेट देगा सर, वो कोई बात नहीं सर। जैसे हम मीटिंग के लिए हमें जूम में वो बताते हैं कि भाई आज इसका मीटिंग है, तो हम इसको बोलेंगे हमारी मीटिंग के लिए ये सेंड करना है, हमें जूम में भेजना है, लिंक भेजना है, मतलब वो भेजना है,
कि आज वेनु संडे हमारा वेनु है, तो हम इसमें एक वेनु में क्या कर ले कि भजन लिखते गए। अरे बिल्कुल सर, आप ये लगा लो दुनिया की सबसे शिक्षित महिला आपको फ्री में मिल गई है 24 घंटे के लिए, उससे आप कुछ भी काम करवाओ। जी जी, आपको एक असिस्टेंट मिल गया पढ़ा लिखा, जी पढ़ा लिखा असिस्टेंट जो अंग्रेजी में आपको आपकी सारी बातें सुनेगा और आपको असिस्ट करेगा। अभी हिंदी में भी कमांड लेने लग गया सर, जैसे नेता लोगों के लिए, नेता लोगों को लेटर लिखना नहीं आता, ईमेल करनी नहीं आती, लेकिन उनके पास एक आईएएस ऑफिसर रहता है, चीफ सेक्रेटरी रहता है, वो जैसे वो बोलते हैं वो लिख देता है फिर उसको। सही है जी जी जी। जैसे हमारा इंटरप्रेटर होता है, बाहर जाते हैं तो इंटरप्रेटर काम करते हैं, मेरे को हिंदी नहीं आती तो वो अपना बोल के बता देता है, इंग्लिश नहीं आती तो बोल के बता देता है, जो उसे बोलवाना चाहते बोल देगा वो। हाँ 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 सही है, वो भी आपको जो समझ में नहीं है, मतलब जो आप लिखवाना चाहते हैं हिंदी में इंग्लिश में ये लिख के दे देगा आपको, हिंदी में चाहिए हिंदी में, इंग्लिश में चाहिए इंग्लिश, बंगाली में चाहिए बंगाली में लिख देगा, बंगाली में लिख। सही है, तो आप पूछ सकते हैं इससे, मतलब जो भी जैसा आप, लेकिन सवाल करेक्ट होना चाहिए, ये एक चीज का ध्यान रखना, गलत सवाल पूछेंगे ना तो गलत ही जवाब दे देगा वो। ओके चलो सुब्रता जैना जी, कुछ पूछना है एक दो लाइन में आपको अंकुर जी से। मांगू जी कोटि कोटि प्रणाम। सर पूछना तो नहीं है, मैं चेक जीपीटी के बारे में पहले जानता था गुरुजी, इसमें एक खासियत है बहुत बढ़िया सर, आज मेरे को डर लगता था यूज करने में, आज सर से सर तो कुछ मतलब सर को क्या बोलूं, हमें कोई भाषा नहीं आ रहा है, हर दिन आता है कुछ ऐसा दे के जाता है गुरुजी, हर मतलब कि 5 साल और ग्रोथ करने के लिए दे के जाता है गुरुजी। गुरुजी आज बोला था इसमें एक खासियत है गुरुजी, मैंने यूज किया था, डर लग रहा था, मैं कोई और कहीं जा तो नहीं रहा था, जो तो इसमें क्या है, अगर गूगल में आप कोई भी सर्च करते हो तो हर एक प्रकार का दे देता है, आपको डाउट लग जाता है कौन सा साइड पे जाऊं, लेकिन इसमें क्या है आप जो मांगते हो वही एक ही देगा और दूसरा देता नहीं है, सबसे बढ़िया बात यही है गुरु जी, ये बहुत अच्छा लगा था, लेकिन मैंने उसको डर के मैं बंद कर दिया, मैंने बोला कहां जा रहा हूं, सोशल मीडिया में फंस रहा हूं, फिर मैं वो छोड़ दिया गुरु जी, आज से मैं इसको और भी प्रमोशन करूंगा, हाँ उसी प्रमोशन करूंगा जिसमें हमको फायदा होगा, और बहुत जल्दी गुरु जी हमारे साथ टिप साइन वाली भी बहुत है सर, उनके लिए बहुत यहाँ कारगर साबित रहेंगे गुरु जी, करके दिखाएंगे दोबारा टारगेट का सिलसिला जारी करके दिखाएंगे अभी बहुत जल्दी गुरु जी, धन्यवाद गुरु जी आपको। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, थैंक यू। एक काम की बात याद दिला दी सुब्रता जैना जी ने, कल 4 जून से लेके और 11 अक्टूबर तक का टारगेट हमारा कंपनी ने अनाउंस कर दिया है, डिटेल अभी आजकल में मिल जाएंगे हमको, तो अपने को अभी नया टारगेट मौका मिल गया है, तो टारगेट पे बात टारगेट के बाद टारगेट करने से ही हमारे को बहुत बड़े हमारे ड्रीम्स पूरे होते हैं, हमारी टीम में ग्रोथ आती है, तो टारगेट को लेके मुझे लग रहा है सारे लोग एक्साइटेड हैं। प्रशांत जी कुछ अंकुर से पूछना है आपको, यू वांट टू आस्क एनीथिंग? जी मागुर जी, मावजी कोटि कोटि नमन मागुर जी, मागुर जी जो चैट पीपीटी के बारे में मुझे जाना था अंकुर सर से, नमस्कार अंकुर सर। जय हो सर। मैंने इसका अगर एक ना डेमोस अगर आप हमें बता देते सर, क्योंकि मैंने इसमें क्या लिखूं, www.chatbox मैंने चैट गूगल कर दो सीधा, चैट जीपीटी बस आ जाएगी, पहली वेबसाइट वही आएगी, और उसके बाद से मतलब उसमें हमको मतलब क्या बोलते वो लॉगिन भी करना पड़ेगा, जैसे जूम पे लॉगिन किया ना आपने गूगल अकाउंट से या वैसे आईडी बनाई ऐसे ही वहां बन जाती है, सेम जूम की तरह है, बस जूम वीडियो कॉल करता है वो सारा बताता है आपको। तो यहां सर मतलब जो हम लोग पीपीटी बनाते हैं पीपीटी में भी मतलब हेल्प कर गए सर ने बोला कि एक हमारे हमें शिक्षित महिला असिस्टेंट मिल गई है जो हमारे काम को आसान करेगी, काम को आसान करेगी, काम नहीं करेगी मांगुर जी, काम खुद ही करना है, शिक्षित महिला असिस्टेंट नहीं, शिक्षित जेंट्स भी असिस्टेंट होता है, शिक्षित असिस्टेंट मिल गया महिला ने, शिक्षित असिस्टेंट मिल गया माहौर जी, माहौर जी, माहौर जी, थैंक यू माहौर जी। ओके संदीप अरोरा साहब, हमारे बड़े भाई साहब कुछ पूछना चाह रहे हैं, अरोरा साहब। गुरुजी चरण वंदना से शुरू करता हूं, अंकुर जी को बधाई, उन्होंने इस तरह की जानकारी दी है कि जो हमारे मन में बहुत दिन से चल रहा था कि हम कैसे टारगेट की फाइट करें जल्दी, कैसे हम टारगेट 20 लोगों का कराएं, कैसे हम अपने बिजनेस को इस तरीके से पेश करें कि हर आदमी अट्रैक्ट होकर कहे मुझे तो यही बिजनेस करना था। सर इस तरह के सवाल मन में आते रहते हैं, लेकिन हम कहीं ना कहीं भ्रमित हो जाते हैं, सारा भ्रम तो आप सुबह तोड़ देते हैं सबका, सुबह हमारी एक ही इच्छा रहती है कि आपका सेशन इस तरह से अटेंड करें कि हम दिन भर अपडेट रहें, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी टीम तो बढ़ रही है लेकिन वो काम नहीं करना चाहती,
काम कैसे कराएं, दूसरा बिजनेस को कैसे अपडेट करें, जैसे कि मोबाइल अपडेट होता है। मैं तो ये चाहूंगा कि अंकुर जी अगर रुड़की आ जाए 25 जून को तो हमें बहुत सौभाग्य मिल जाएगा, हाथ पकड़ के हमें सिखा देंगे और रुड़की की बल्ले बल्ले हो जाएगी सर। 25 जून में रुड़की में महागुरु जी इंद्रपाल जी के सहयोग से कोर ट्रेनिंग होने जा रही है एक अच्छे होटल में। चलो बहुत बढ़िया करो आप, बढ़िया है। अभी आपको कुछ पूछना भी है? हाँ पूछना चाहें कैसे, मतलब जैसे कि मेरी उम्र है, आप मुझे जवान मानते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि इस बिजनेस को ऐसे ग्रोथ करें जाए कि डायमंड हम 4 साल में नहीं, 1 साल में बन के दिखाएं, या 9 महीने में दिखाएं कि 9 महीने में हम कैसे डायमंड बन सकते हैं। बताओ अंकुर कैसे कैसे हेल्प करेगा ये इस मामले में, 9 महीने में कैसे डायमंड बन सकते हैं? इससे ये सर बहुत बढ़िया आइडिया देता है, जैसे सर बोलते हैं लो ऑफ एवरेज का, इस सेल्स में लो ऑफ एवरेज काम करती है। अगर आप 25 लोगों को रीच आउट कर रहे हैं तो उसमें से 2 ही लोग कोर बनेंगे, 5 ही लोग प्रोडक्ट खरीदेंगे, ऐसे करके जो भी 80-20 का रेशो रहता है, ठीक है। तो ये बिल्कुल डिटेल में हेल्प करेगा, ये आपकी जनरल हेल्प नहीं कर सकता। जनरल तो ये पॉइंट बता देगा कि प्लान दिखा दो, कोर बना लो, कोर कैसे बनाने हैं वो बता देगा। लेकिन आप बोलो कि मेरा सोशल मीडिया पे अकाउंट है, रिस्पेक्टेड सर, जैसे आपका फेसबुक का अकाउंट है, ठीक है, मेरे 500 दोस्त हैं, ठीक है, मेरे को अगले 60 दिन के लिए डेली 5 लोगों की लिस्ट चाहिए ताकि लो ऑफ एवरेज में मेरे ऐसा काम आए कि डेली अगर मैं 2 भी प्लान करूं तो मेरा टारगेट हो जाए, और 9 महीने में अगर मैं लगातार टारगेट कर रहा हूं और टीम में करवा रहा हूं तो डायमंड के पास जाऊंगा ही जाऊंगा। तो वहां पे ये आपको अपनी फेसबुक कैसे ग्रो कर सकते हो, आप क्या कंटेंट डालो डेली नोनी जूस के बारे में, क्योंकि आपकी जो एज है उसके हिसाब से जिन लोगों को आप अट्रैक्ट करेंगे वैसा कंटेंट डालो, कैसा फोटो डालना है, कैसे लोगों को रीच आउट करना है कि हाय मेरा नाम प्रशांत है और मैं अभी डायरेक्ट सेल्स के फील्ड में काम कर रहा हूँ, मैंने आपका प्रोफाइल देखा, मेरे को बहुत ही अच्छा लगा कि आप भी जिम विम जाते हैं, हमारे पास भी कई न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट्स हैं, अगर आपको अच्छा लगे तो मैं आपको एक टेम्पलेट भेजता हूँ और आप बताएं। तो ऐसे करके आपके मैसेजेस को सुधार सकता है ये, और आपका फेसबुक प्रोफाइल जैसे जैसे रीच होगा आपकी लीड्स ज्यादा बढ़ेंगी, आपके पास ज्यादा लोगों के साथ बातचीत करने का मौका होगा, और उसी के हिसाब से जितना भी लो ऑफ एवरेज काम करेगा ये शेड्यूलिंग भी कर सकता है, अपॉइंटमेंट भी बना सकता है, लेकिन करना हमको ही पड़ेगा। और जो 24 घंटे मिले हैं उस 24 घंटे को ये भी 24 घंटे काम करेगा और आप भी काम करोगे, तो उसमें मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जैसे आपकी टीम 5 की हो, 5 लोग भी अगर चैट जीपीटी थोड़ा थोड़ा भी जानते हैं, 2-4 मिनट इस्तेमाल करना जानते हैं, तो आपको 5 और बंदे मिल गए एक्स्ट्रा, समझ रहे हैं सर? बिल्कुल सही है सर, थैंक यू वेरी मच। अच्छा एक बात मैं और ऐड करना चाहूंगा कि ये भी जैसे आप पूछोगे कि मुझे जल्दी डायमंड बनना है, जल्दी ग्रोथ करनी है, मेरे को ये टारगेट जीतना है, तो ये भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या चैट जीपीटी भी इतना बदमाश है, ये भी वही बात बताएगा जो आप लाइन बोलते हैं, बोलेगा ज्यादा प्लान दिखाओ, ज्यादा फॉलोअप करो, ज्यादा अटेंड करो। एक अपलाइन और मिल रहा है आपको, सही है, उसको असिस्टेंट भी यूज कर सकते हैं और एज ए अपलाइन भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलो सोनू कुमार जी, यू वांट टू आस्क एनीथिंग? धन्यवाद सर, आपने मेरा क्वेश्चन का आंसर दिया, बहुत अच्छा लगा सर, लेकिन एक दिन का समय चाहेंगे अंकुर जी का रुड़की में, चलो देख लेंगे, आपसे रिक्वेस्ट है सर कैसे ही मैनेज करके हमारे पास देख लेंगे सर, सौभाग्य डबल कर दें, सेम डे को तो नहीं हो पाएगा लेकिन आगे पीछे कर लेंगे, कोई बात। ओके सोनू, यू वांट टू आस्क, कुछ पूछना आपको? थैंक यू महागुरु जी। महागुरु जी पहले तो अंकुर सर को नमस्कार, और महागुरु जी ये बात बिल्कुल तय है कि ना जैसे सिस्टम बताया जाता है एक दिन में सेव खा के ताकत नहीं आती है, कंटिन्यू खाएंगे ताकत आएगी, इसके बारे में हम जरूर सर्च करेंगे और इससे हम हेल्प लेंगे और इस पे हम काम करेंगे। महागुरु जी एक ही बात याद आती है आपकी, आपने बताया था एक बार मीटिंग में कि देसी भाषा में तो मैं समझा दूंगा और अंग्रेजी जो आज के युवा कारण को समझाने के लिए अंकुर को मैंने तैयार किया है। महागुरु जी पूरे इस पे काम करेंगे और इस बार इसका सहारा लेकर के टारगेट में नंबर 1 बन के आएंगे। महागुरु जी धन्यवाद, महागुरु जी थैंक यू, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। टारगेट की संख्या बढ़नी चाहिए, इससे इसमें घटनी नहीं चाहिए। नीतू साहब आप कुछ पूछना है? गुरु जी बहुत बहुत प्रणाम गुरु जी, और अंकुर सर आपको भी नमस्कार। आज का सर सेशन इतना अच्छा रहा कि जो नए इनोवा हमारे साथ में आज ज्वाइन हो रहे हैं और पढ़े लिखे भी हैं इसमें,
सर थोड़ा सा अगर एक बार ये सेशन दोबारा हो जाएगा कि कुछ लोगों को इसमें बहुत चीजें जो इसकी भाषा है शायद वो समझ नहीं पा रहे हैं, तो अगर वो एक बार दोबारा अगर इसका डेमो सर में अगर अंकुर सर अगर प्लीज आप दोबारा इसको एक बार दे देंगे तो हम सबको इसको अच्छे से समझ में आ जाएगा और हमें बहुत मदद मिलेगी। थैंक यू सर, थैंक यू गुरुजी, थैंक यू। बहुत बढ़िया सर, ये सारे जो नेटवर्क है हमारे को जैसे फौज में डेमो दिया जाता है ना हर एक चीज के लिए, सही है, उस्ताद डेमो देता है, तो वैसे इसके डेमो देना पड़ेगा अंकुर और उसके आपने क्या क्या इसका फायदा उठाया, खुद के फायदे 4-5-10 बताने पड़ेंगे तब जाके हमारी पार्टी को समझ में आने वाला है, सही है, कर देंगे सर जब आप सारे मेरे जैसे ही हैं। अच्छा देवनाथ जी, संजीत देवनाथ जी, क्या क्या एक लाइन में पूछो, कुछ पूछना है संजीत? महागुरु जी आपको कोटि-कोटि प्रणाम, महागुरु जी और हमारा बंगाल का जो दो ग्रेट मेंटर है कोटि-कोटि प्रणाम, और पी आर चौधरी सर को भी प्रणाम, और अंकुर गिरेवाल सर को भी प्रणाम। अंकुर गिरेवाल सर का जो टैलेंटेड है, जो बुद्धि है, उनके साथ मुझे रहने का मौका मिला नाइट में, दिन में और फील्ड में त्रिपुरा के अंदर महागुरु जी। और महागुरु जी आज पैनल के अंदर जिन्होंने गोल्स के बारे में बताया, टूल्स के बारे में बताया महागुरु जी, और चैट जीपीटी के बारे में उन्होंने जो बताया महागुरु जी, बढ़िया टूल्स हमें आज मॉर्निंग में मिला महागुरु जी उनके माध्यम से। और उनके एक चीज पूछना चाहता हूँ महागुरु जी, ये जो चैट जीपीटी में अगर हम बांग्ला में टाइप करेंगे क्या बांग्ला से हम नॉलेज ले सकते हैं क्या सर? अंकुर सर डेस्कटॉप साइट पे ले सकते हैं, मैं 50-50 हूँ, मैं करके नहीं देखा मैंने बंगाली में, लेकिन हिंदी में तो करके देखा है, लेकिन बंगाली में भी है ये, क्योंकि इसमें तो अभी ये $1 बिलियन कंपनी होगी सर, मतलब बंगाली क्या ये तो मतलब चलो हो जाएगा, नहीं तो अंकुर चेक करके आपको बताएगा, ठीक है। 90% तो होती है सर, 10% अगर नहीं भी हो तो आप बताना मेरे को है। अभी हम आते हैं टॉपिक पे, दादा क्या क्या लग रहा, कुछ पूछना अंकुर से? थैंक यू महागुरु जी, आज ग्रेट सर अंकुर जी जब जी मिलते हैं, जब भी हमारे बीच में आते हैं, कोई नया टेक्नोलॉजी लेके आते हैं महागुरु जी, तो अंकुर जी को बहुत बहुत धन्यवाद। बात तो जो है ये काम की बात तो है, बहुत बड़ा काम की बात है, लेकिन क्योंकि एक बार में समझ में तो आता नहीं, क्योंकि जूम भी पहले हमको जूम मीटिंग में इन होना बहुत महाभारत था, जूम नहीं खोल पाते थे, लेकिन कर करके आज तो ठकाठक जूम जो है हम जूम का फायदा भी उठाते हैं। तो ऐसे ही आप चार्ट जीपीटी जो हो रहे है अंकुर जी ने बताया है, तो जैसे जैसे हम और थोड़ा प्रैक्टिकल करेंगे और पूछते भी रहेंगे इसका फायदा उठाएंगे हम महावीर जी, बहुत बड़ा फायदा उठाएंगे। और जो जो अंकुर जी ने बोला है और आपने भी बोला कि एक ऑफलाइन वेब का भी काम करेगा, और ये सही जानकारी मिलेगा, सही चीज बताएगा, जो हम पूछना चाहेंगे वो चीज चाहिए और वही चीज बताएगा, तो इससे बढ़िया ऑप्शन और हो नहीं सकता, बहुत बढ़िया। तो अंकुर जी को भी कोटि कोटि धन्यवाद, आज जो अंकुर जी ने चैरिटी किया है खास करके यंग स्टार बहुत ज्यादा फायदा उठाएंगे, हमारी टीम में यंग स्टार भी है, उनको ये फायदा दे के जो है बहुत बड़ा काम करके दिखाएंगे मॉडल। थैंक यू मॉडल, बहुत बढ़िया दादा, उससे ज्यादा फायदा आप उठाओगे क्योंकि ईमेल स्टार तो ईमेल लिख लेते हैं, आपकी जगह आपकी ईमेल रेडी कर देगा तुरंत में, बिल्कुल प्लीज राइट ए ईमेल टू कंपनी, आई वांट टू अपडेट माय बैंक अकाउंट, आई वांट टू अपडेट माय फोटो, आई वांट टू अपडेट माय ऐसे करके, और हिंदी में आप बोलोगे तो हिंदी में एक मेल लिखिए चैट जीपीटी, और मेरे को कंपनी से मेरी बैंक डिटेल अपडेट करानी है, तो ठग से लिख के दे देगा आपको, सिर्फ कॉपी पेस्ट करो और भेज दो।